अगर आपने अभी तक दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल को नहीं देखा और इसे दीदार करने का मन बना रहे हैं, तो ये खबर आपके काम की है। दरअसल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताजमहल के दीदार करने के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं, जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएंगी। नए नियमों के तहत आने वाले पर्यटकों की संख्या हर दिन 40,000 तक सीमित की जाएगी। वहीं अब टिकट लेकर केवल 3 घंटे की अधिकतम सीमा तक ही ताजमहल परिसर में ठहरा जा सकेगा। इसके साथ पर्यटक टिकट में भी मामूली बढ़ोतरी होने जा रही है। ताजमहल परिसर में प्रवेश के लिए टिकट का मूल्य 40 रुपए से बढ़ाकर 50 रुपए किया जाएगा। विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट की कीमत 1,000 रुपए है। वहीं जो भारतीय 40,000 की संख्या पार होने के बाद भी ताजमहल देखना चाहते हैं, वे 1,000 रुपए का टिकट खरीदकर ताजमहल देख सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि आम दिनों में ताजमहल देखने के लिए 30,000 से 40,000 पर्यटक आते हैं। वहीं छुट्टी और खास मौकों पर ताजमहल देखने वालों की संख्या करीब 1,00,000 तक पहुंच जाती है। ताजमहल में पर्यटकों के प्रवेश से निर्धारित समय से आधे घंटे पहले टिकट खिड़कियां खुलेंगी और बंद होने से निर्धारित समय से आधे घंटे पहले बंद हो जाएंगी। इससे भीड़ को नियंत्रित किया जा सकेगा। वहीं ऊंचे मूल्य वाले टिकट की भी व्यवस्था की जाएगी और ऐसे पर्यटकों को विशेष सुविधा दी जाएगी। हमारे और नए अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकन ताकि कोई वीडियो मिस ना हो।